हेलो, गुड इवनिंग। माइक्रो प्रोसेसर 805 में इतने इंस्ट्रक्शन पढ़ा दिए गए हैं कि अब हम लोग जो हैं सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज मैंने ये सिंपल प्रोग्राम बनाया है, इसको समझाने की कोशिश की है। ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू 8-बिट नंबर्स, है ना। कि ये प्रोग्राम जो है हमें दो 8-बिट नंबर को ऐड करने का है, तो दो 8-बिट नंबर ऐड करने का प्रोग्राम हमको लिखना है। तो मान लीजिए हमारे पास जो दो 8-बिट नंबर हैं वो हेक्साडेसिमल में 05 है और 07 है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, MBI। अब हम क्या करेंगे कि हमको नंबर ऐड करने के लिए इन दोनों नंबरों को रजिस्टर्स में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो रजिस्टर होगा वो क्या होगा? एक्यूमुलेटर। और दूसरा आप बी ले सकते हो या सी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बी लिया है। तो ये दो नंबर हमने हमारे पास हैं 05 07। तो हम पहले एक नंबर को, तो देखिए मैंने 05 को MBI A 05H, इसको मैंने जो है एक्यूमुलेटर मूव करा लिया। MBI A का मतलब है मोब इमीडिएट, यानी कि जो करेंट डाटा है, आपको पता ही होगा MBI A कब आता है कि जब करेंट डाटा अवेलेबल हो। तो मोब इमीडिएट यानी जो डाटा हमारे पास है उसको एक्यूमुलेटर मोब कराइए। उसके बाद जो 07 है उसको मैंने MBI B यानी कि मोब इमीडिएट 07, ठीक है। तो एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में आ गया, दूसरा हमारा किस में आ गया? रजिस्टर बी में। अब देखिए अगला इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है। अब दोनों हमने रजिस्टर में ले लिए, दोनों नंबर्स, एक ए में आ गया एक्यूमुलेटर में, दूसरा रजिस्टर बी में आ गया। अब इनको हमें ऐड कराना है। तो हमने जो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाया है ऐड बी, ऐड बी का मतलब क्या है? ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐड बी, इसका मतलब ये है कि रजिस्टर बी के जो कंटेंट हैं वो एक्यूमुलेटर ए के कंटेंट में ऐड कर दीजिए, और जो एडिशन होगा वो आपका किस में रहेगा? रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है? STA 2500, ये हेक्साडेसिमल होगा, ठीक है, ये होगा आपका हेक्साडेसिमल। तो इसका मतलब यह है कि STA 2500H, इसका मतलब यह है कि जो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है, एक्यूमुलेटर में जो रिजल्टेंट डाटा है आफ्टर एडिशन, उसको इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करा दीजिए, ठीक है। ये हमारा यहां पर प्रोग्राम दो नंबर ऐड होने का कंप्लीट हो गया, और हाल्ट का मतलब ये प्रोग्राम ओवर हो गया, वेटिंग स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज है, न्यूमेरिक्स की रूप में ये प्रोग्राम लिखा गया है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हम माइक्रो प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझेगा, अब कोड को, हेक्स कोड को समझेगा, ये हेक्स कोड। तो MBI A का हेक्स कोड है 3E, यानी कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर को 3E एंटर करेंगे मेमोरी लोकेशन पे देंगे, तो वो समझ जाएगा कि हमको कोई डाटा जो है एक्यूमुलेटर ए में लेना है। उसके बाद हमने 05 दे दिया, फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हमने 06 दे दिया। जब 06 देंगे तो इसका मतलब यह है कि रजिस्टर बी में हम कोई डाटा मूव करा रहे हैं, या तो कौन सा डाटा मूव करा रहे हैं? 07, ठीक है। उसके बाद ऐड बी, तो अगर हम उसको 80 देंगे तो वो समझ जाएगा कि एक्यूमुलेटर ए के कंटेंट में हमको एक्यूमुलेटर बी के कंटेंट ऐड कराने हैं। STA का मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी दी हुई मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना। तो 32 का मतलब यही है कि एक्यूमुलेटर कंटेंट को दी गई मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना। उसके बाद लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा, फिर हाइयर ऑर्डर एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद हाल्ट, तो हम 76 दे देंगे तो प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आप कैसे देखेंगे वो आपको माइक्रो प्रोसेसर में 2500 मेमोरी लोकेशन पर जाकर के चेक करना होगा। तो वहां पर आपको इन दोनों का एडिशन दिखाई देगा। वो कैसे चेक करेंगे वो तो हम माइक्रो प्रोसेसर में ही एग्जीक्यूट करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी मैंने सिंपली आपको बता रहा हूँ कॉपी पे, ये किट पे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं अपने आप से। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं तो सिंपली या आपने एडिशन का बना लिया, आप सब्ट्रैक्शन का बना लीजिए, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बना लीजिए, या 1-बिट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का बना लीजिए। लेकिन जो ये हैग्स कोड है
ये आपको बुक में दे रखे होंगे, अपकोड, अपकोड कहलाते हैं, ये आपको बुक में दे रखे होंगे कि किस इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा अपकोड इस्तेमाल होता है ना, ये फिक्स होते हैं, ये हर इंस्ट्रक्शन का फिक्स है। तो ये अपकोड आपको देखने की परमिशन होती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से और सारे सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाइए, और कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्टडी करते रहिए। ये आप यूँ समझ लीजिए कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में प्रैक्टिकल का पहला प्रोग्राम है ये, यही प्रोग्राम मैं कराऊंगा आपको, प्रोग्राम नंबर 1 है। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है, लेकिन इसको माइक्रो प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, एग्जीक्यूट कराने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, आप एक दिन में 10 प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर किट पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको समझना। अगर हम आपको कोई प्रोग्राम दे दें और आप उसको बनाने को दे दें, तो आप खुद अपना लॉजिक लगा के उसको बना करके दिखाना जरूरी है, वही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्राम बनाना आ गया तो एग्जीक्यूट कराना तो बहुत इजीली आ ही जाएगा, वो तो हम बता ही देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से घर पर और बहुत सारे प्रोग्राम बनाइए, और मुझसे कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए घर पर ही, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।